नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हीरानंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम सिविल सेकंड ईयर के सब्जेक्ट C-205 को यहाँ इंट्रोडक्शन के रूप में समझने जा रहे हैं, उसके सिलेबस को एक बार देखने जा रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यातायात अभियांत्रिकी है क्या। इस सब्जेक्ट में हम यातायात के साधनों जैसे रेलवेज, रोडवेज, टनल इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अच्छे रोड और रेलवे नेटवर्क के अभाव में एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, यातायात दुर्गम हो जाता है तथा पब्लिक तथा गुड्स या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में समय बढ़ जाता है, जिससे जो लागत मूल्य होता है वह भी बढ़ता है। तो यहाँ हम इंजीनियरिंग के रूप में देखेंगे कि यातायात में किस प्रकार से इंजीनियरिंग के माध्यम से सुगमता प्रदान की जा सकती है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे हाईवे इंजीनियरिंग का। हाईवे इंजीनियरिंग के डिफरेंट मोड्स हम यहाँ देखेंगे और हाईवे इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है वो हम यहाँ फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। सेकेंड यूनिट में हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में हम देखेंगे कि हाईवे का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, हाईवे की प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अलग अलग रोड्स के क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पढ़ेंगे, रोड्स के पैटर्न्स को पढ़ेंगे और हाईवे की जो प्लानिंग आज तक भारत में हुई है उस सभी की हिस्ट्री को हम यहाँ पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में, थर्ड चैप्टर में हम यहाँ हाईवे की ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से हाईवे का अलाइनमेंट होना चाहिए, क्या क्या टर्म्स उसमें यूज़ होती हैं, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डिफरेंट साइट डिस्टेंसेज जो दृष्टि दूरी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रैफिक किस प्रकार से मॉनिटर होता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। ट्रैफिक यूनिट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को हम PCU के माध्यम से, पैसेंजर कार यूनिट के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अलग अलग ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, अलग अलग सिग्नल्स के बारे हम यहाँ पढ़ेंगे। ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के बारे में देखेंगे। हाईवे की लाइटिंग के बारे में फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें हम हाईवे के डिफरेंट मटेरियल्स, जो कि सब ग्रेड मटेरियल्स, सब ग्रेड सॉइल जो होती है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ देखेंगे। CBR टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन एग्रीगेट्स की क्या क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में देखेंगे। अलग अलग जो टेस्ट होते हैं जैसे एब्रेशन टेस्ट है, क्रशिंग टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, शेप टेस्ट है, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। इस चैप्टर की उपयोगिता इसलिए भी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रैक्टिकल जो हाईवे लैब के अंदर हम देखते हैं उसमें भी यही सारे एक्सपेरिमेंट्स हम वापस से प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो थ्योरेटिकली अगर हम इन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल में भी हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। बिटुमिनस मटेरियल्स जो होते हैं, जो हम जानते हैं डामर, जिससे सड़कें बनती हैं, उसके बारे में भी, उससे संबंधित जो जो टेस्ट होते हैं जैसे पेनिट्रेशन टेस्ट है, सॉफ्टनिंग टेस्ट होता है, डक्टिलिटी टेस्ट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है, तो ये भी सारे टेस्ट हम यहाँ पर थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं और इन सब के प्रैक्टिकल्स को भी हम लैब में परफॉर्म करते हैं। आगे सिक्स यूनिट में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ हम उसको इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स जो होती हैं, WBM जो रोड्स होती हैं, बिटुमिनस रोड्स होती हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड्स होती हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सेवेंथ यूनिट में हाईवे मेंटेनेंस को हम देखते हैं। एट्थ चैप्टर में हम रोड के ड्रेनेज और रोड आर्बोरिकल्चर के बारे में देखते हैं। ड्रेनेज हम जानते हैं कि जल की तथा अन्य जो भी तरल पदार्थ होता है सड़क पर से, उसका निकास किस प्रकार से हो, ये हम ड्रेनेज के माध्यम से देखते हैं। रोड आर्बोरिकल्चर में हम सड़क पर तथा सड़क के
आसपास जो वृक्ष संवर्धन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांटेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। नाइन्थ यूनिट में हम ब्रिजेस के बारे में देखते हैं, टेम्प्ररी ब्रिजेस, परमानेंट ब्रिजेस, यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के कल्वर्ट्स और उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखते हैं। टेंथ यूनिट से हम रेलवेज में एंटर करते हैं, रेलवे की इम्पोर्टेंस क्या है, रेलवे सिस्टम भारत में कब आया, किस प्रकार से इंट्रोड्यूस हुआ, अलग अलग प्रकार के गेजेस क्या क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं अलग अलग गेजेस के, परमानेंट वे क्या होता है, ये हम 10वीं यूनिट में देखते हैं। 11वीं यूनिट में हम रेलवेज के जो भाग होते हैं, सबसे पहले रेल्स जिसे हम बीम या पटरी कहते हैं उसके बारे में देखते हैं, अलग अलग प्रकार की रेल सेक्शंस को हम यहाँ पढ़ेंगे, उसमें फेलियर्स क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार की क्रीप्स डेवलप होती हैं, रोरिंग ऑफ रेल्स क्या होता है, कोनिंग ऑफ व्हील्स क्या होता है, तो हम यहाँ पर रेल्स के बारे में कंप्लीट अध्ययन करते हैं। स्लीपर्स के बारे में हम 12वीं यूनिट में पढ़ेंगे, 13वीं यूनिट में हम बालास्ट के बारे में पढ़ते हैं, 14वीं यूनिट में हम फिक्स्चर्स तथा फास्टनिंग्स, रेल्स को पटरी को जोड़ने के लिए किस किस प्रकार के फिक्स्चर्स की आवश्यकता रहती है, जैसे फिश प्लेट्स होती हैं, अलग अलग वेल्डिंग की हमें आवश्यकता रहती है, तो वो सब हम फिक्स्चर्स तथा जो फास्टनिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम 14वीं यूनिट में पढ़ेंगे। 15वीं यूनिट में हम लोग रेलवे की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस जो होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं, क्या ग्रेडियंट्स होते हैं, क्या कर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, सुपर एलिवेशन क्या होता है, कैंड एफिशिएंसी क्या होती है, वाइडनिंग ऑफ गेजेस क्या होते हैं, वो हम 15वीं चैप्टर में पढ़ते हैं। 16वीं यूनिट में हम रेलवेज में जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। 17वीं में हम ट्रैक्स जो लेइंग होता है, किस प्रकार से हम पटरी को बिछाते हैं उसके बारे में हम पूरा अध्ययन करते हैं, और इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट 17.3 हम देख रहे हैं, ड्यूटीज़ ऑफ परमानेंट वे इंस्पेक्टर, जो पीवे इंस्पेक्टर होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। 18वीं यूनिट में हम कंप्लीट मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से हमें रेल्स का मेंटेनेंस करना है, बालास्ट का मेंटेनेंस करना है, अलग अलग फिक्स्चर्स को मेंटेन करना है, ड्रेनेज कैसे डेवलप करना है, ये सारी हम लोग यहाँ इस 18वीं यूनिट में पढ़ते हैं। 19वीं यूनिट में हम स्टेशंस एंड यार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। 20वीं चैप्टर में हम लोग सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग प्रकार के क्या क्या सिग्नल्स होते हैं, थ्री एस्पेक्ट सिग्नल, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, पायलट गार्ड सिस्टम इत्यादि के बारे में 20वीं यूनिट में हम पढ़ते हैं। और जो लास्ट जो चैप्टर है, लास्ट जो यूनिट है, उसे हम टनलिंग कहते हैं, तो हम टनल अथवा सुरंग का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं हम कंप्लीट यहाँ पर पढ़ते हैं, सुरंग में वेंटिलेशन क्यों होना चाहिए, किस प्रकार से वेंटिलेशन होना चाहिए, ड्रेनेज किस प्रकार से होना चाहिए इत्यादि, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें सुरंग में काम करते समय अपनाने चाहिए, ये सभी हम 21वीं जो यूनिट है इसमें पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा कि हमने हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे एंड टनल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पढ़ना है, तो जो हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जो बुक रेफ़र करते हैं वो बुक हम अलग अलग कई सारी किताबें हैं, किंतु हम खन्ना एंड जिस तो अच्छी पुस्तक है उसको यहाँ रेफ़र करेंगे, तथा रेलवेज एंड टनल इंजीनियरिंग के हम लिए गुरुचरण सिंह पुस्तक तथा एससी रंगवाला पुस्तक जो है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। आशा है इस छोटे से वीडियो द्वारा हमें इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक ग्लिम्प्स मिला होगा, जिससे हमें पता पड़ा होगा कि किस प्रकार से हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हमें एक ओवरव्यू प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।